ऐतिहासिक घाटे के बाद क्रैश हुआ टाटा मोटर्स का शेयर, 26 सालों बाद इंट्राडे में सबसे बड़ी गिरावट। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में मुनाफे में आई भारी गिरावट के बाद टाटा मोटर्स के शेयरों में भारी गिरावट आई है। शुक्रवार को कंपनी का शेयर 30% तक लुढ़क गया, जो फरवरी 1993 के बाद से इंट्राडे के दौरान आई सबसे बड़ी गिरावट है। दोपहर बाद BSI में कंपनी का शेयर करीब 20% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। जगुआर लैंड रोवर की परिसंपत्तियों पर किए गए खर्च की वजह से टाटा मोटर्स को अब तक का सबसे बड़ा घाटा हुआ है। दिसंबर तिमाही में टाटा मोटर्स को 26,992.54 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। कंपनी ने 3.10 अरब पौंड की राशि को बटा खाते में डाला है। 3 फरवरी 1993 के बाद यह कंपनी के स्टॉक में आई सबसे बड़ी गिरावट है। शुक्रवार को कंपनी का शेयर 141.90 के निचले स्तर को छू गया। पिछले एक सालों में इसमें 50% से अधिक की गिरावट आई है। दिसंबर तिमाही में टाटा मोटर्स के राजस्व में 4.4% का इजाफा हुआ है। हालांकि JLR की बिक्री में जुलाई के बाद लगातार गिरावट आई है। दिसंबर तिमाही में कंपनी की बिक्री में सालाना आधार पर 6.4% की गिरावट आई है। कंपनी की बिक्री पर सबसे ज्यादा असर चीन की खराब बाजार स्थिति का हुआ है।